स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट सजेशन में। और आज की इस YouTube वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर को जो कि स्टॉप नहीं हो रहा है या किसी भी सॉफ्टवेयर को जो एग्जिट नहीं हो पा रहा है, क्विट नहीं हो पा रहा है, उसे फोर्सफुली स्टॉप कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर को पहले रन कर देता हूँ, जैसे कि एडोब को रन कर देता हूँ, एक एडोब रीडर को, ठीक है, पीडीएफ रीडर। दूसरा मैं रन कर देता हूँ ड्रॉप बॉक्स को। ओके, अब मैंने स्टॉप करके दिखाऊंगा आपको। मैंने क्लोज बटन से स्टॉप नहीं करूंगा, ठीक है, सॉर्ट करता हूँ। ओबीएस स्टूडियो को रन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अब आपको जाना कहाँ पर है, यहाँ पर चले जाना है बॉटम में। यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा टास्क मैनेजर में, ठीक है, ये ओबीएस स्टूडियो भी लॉन्च हो चुका है। मैं इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ पहले। आपको चले जाना है बॉटम में, ठीक है। हमारे यहाँ पर दो सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं जिन्हें फोर्सफुली स्टॉप करना सीखना है, ठीक है। राइट क्लिक करना है बॉटम बार में जाके, और आप देख सकते हो यहाँ पर टास्क मैनेजर आ रहा है, ठीक है। आप इसे सर्च करके भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं सर्च करके फाइंड करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर चले जाना है आपको, टास्क मैनेजर लिखना है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, और तीसरा आप कंट्रोल पैनल से भी इसे फाइंड कर सकते हो। पर शॉर्टकट ये है कि आप उसे सर्च करके फाइंड करो या बॉटम से खोल लो। अब आप यहाँ देख सकते हो कि वो दोनों सॉफ्टवेयर में एप्स में दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको राइट क्लिक करना है उसको ओवर करके, ठीक है, यहाँ पर जाना है और एंड टास्क पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ से एडोब जो सॉफ्टवेयर था वो फोर्सफुली स्टॉप हो चुका है। अब मैं सेम तरीके से ओबीएस स्टूडियो को भी स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो वो भी हो गया। कई बार क्या होता है, क्रोम भी स्टक हो जाता है, फायरफॉक्स भी स्टक हो जाता है, तो भी आप उन्हें राइट क्लिक करके फोर्सफुली स्टॉप कर सकते हो इस तरीके से। तो सारे टैब के साथ वो सॉफ्टवेयर भी स्टॉप हो जाता है। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि किसी भी सॉफ्टवेयर को फोर्सफुली स्टॉप कैसे किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको गेम को भी फोर्सफुली स्टॉप करना है तो उसके बारे क्या होता है, आपकी गेम की विंडो के अंदर जो है स्टक हो जाते हो, तो सबसे पहले वहां से बाहर निकलने के लिए आपको दबाना है विंडो प्लस आर, ठीक है। तो आप गेम की विंडो से पहले बाहर निकल जाओगे। उसके बाद आपको सेम प्रोसेस करनी है, टास्क मैनेजर में जाना है, उसकी एक्सी फाइल को एप्स में या बैकग्राउंड प्रोसेस में देख के स्टॉप कर देना है। दूसरा, कई बार क्या होता है गेम हैंग हो जाता है, तो उस वक्त आपको क्या करना है, कंट्रोल आल्ट डिलीट या कंट्रोल आल्ट स्कैप बटन आपको प्रेस करनी है, तो भी टास्क मैनेजर में आप चले जाते हो। वहां से आपको उसे फाइंड करके आप स्टॉप कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आज हमने एक नया तरीका सीखा कि किसी विंडो सॉफ्टवेयर में, मतलब विंडो वैसे है उसमें हम किसी भी सॉफ्टवेयर को फोर्सफुली स्टॉप कैसे करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर वीडियो। थैंक यू।